पाकिस्तान का एक ऐसा साहिल जिसका शुमार आज भी दुनिया के तीसरे बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड्स में से है। खड़ानी, आइए चलते हैं। काहे मेरा मुंह, समझ तो गए होगे, आओ चलते हैं। सफर पे जाने से पहले गाड़ी में इंजन ऑयल और पानी लाजमी देख लें। हाँ तो जी, हमारी गाड़ी रेडी टू गो है और अब हम जो हैं अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करेंगे। और कालू बेगम पे आएँ तो कालू बेगम ले खड़ी। अरे यार, ये बड़े प्यारे प्यारे हमारे ना मोहल्ले में बिल्ली ने बच्चा दे दी भाग के। तो जी, हम कालू बेगम की बात कर रहे थे जी। बैक टू इट्स स्टॉक कंडीशन। बहुत बुरा लग रहा है मुझे, ये बहुत बुरा लग रहा है, देखने का भी दिल नहीं कर रहा है इस गाड़ी को। चल टार्जन, लेट्स गो। बात ये डिस्कस करनी थी वो ये थी कि यार सुबह सुबह की जो ड्राइव होती है वो इतनी सूदिंग होती है, ना रश होता है रोड पे। मतलब कराची शहर में रश होता है, मतलब वो वाला रश नहीं होता जो एक दोपहर के टाइम पे और शाम के टाइम में जो रश मिलता है ना आपको। लेकिन हाँ, थैंक यू फॉर द इंग्लिश ब्रो। तो ये है कि सुबह सुबह वाली ड्राइव ना यार इंसान को एक दफ़ा रिफ्रेश करके रख देती है। खैर, सफ़र हो या वैसे भी ऑफिस के लिए निकल रहे हो तो एक तो सुबह का अपना ही मज़ा है। ये हम आलसी होता है ना, आलसी लोग होते हैं जो शाम 6-6 बजे तक 5-5 बजे तक पड़े रहते हैं। सुबह का अपना ही मज़ा है यार। सफ़र पे साथ साथ आपकी वालदा मुतरमा जब तस्बीह कर रही हो ना तो फिर किसी का कोई माइक अलावा आपको कुछ नहीं कह सकता। हाँ तो जी, प्लान में थोड़ी चेंजिंग आ गई। अस्सलाम वालेकुम गुल भाई, क्या हाल चाल है, कैसे जबरदस्त भाई। प्लान में एक चेंजिंग आ गई, गुल भाई ने कहा शराफत से अपनी गाड़ी खड़ी करो मेरे घर पे और हम एक गाड़ी में चलते हैं। सही बात है यार, एक गाड़ी में जाएंगे, एंजॉय करते हुए जाएंगे, है ना। चले बस चले। आसमी खान ने मुझसे बदला लिया एक। और कैसे फारूक भाई? अल्लाह का शुक्र ठीक है, जबरदस्त। रेडी है फिर आज तो यार हम, मैंने बताया नहीं आप लोगों को हम कहाँ जा रहे हैं। ओहो, रोशनी आ गई। हम लोग जा रहे हैं गडानी बीच पे। गुलबे, गडानी यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से होगा 20 किलोमीटर करीब ही, इतना दूर नहीं है। अच्छा, चलो जी आज गडानी को एक्सपीरियंस करते हैं। क्या हमें तो लगा दूर होगा। कोई नहीं, हमारी सहूलत के लिए इन्होंने एक रोड बनाई है लियारी एक्सप्रेस वे। और ये साथ रहने वाले इतना यहाँ पे कचरा कर देते हैं जिसकी कोई हद ही, ये देखिएगा ये सारा इतना कचरा पड़ा हुआ है इस रोड के ऊपर कि अब ये नहीं पता इधर इस कचरे के अंदर क्या क्या है। केले के छिलके भी हो सकते हैं, फ्रूट भी हो सकता है, गंद इतना है कि कांच की चीज़ हो सकती है, गाड़ी रोड पर पड़ा हुआ है कचरा इतना सारा, टायर बर्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि 2080 के अंदर क्या कहते हैं हम कराची को दुबई बना देंगे। खैर वो तो कभी होने नहीं वाला। और दूसरा, अगर उसको दुबई बना भी दोगे ना तो यहाँ का जो ये मावा खाने वाली अवामन करने वाली वो बाज कभी भी नहीं आएगी। तो लिहाजा ये करने वाले लोग जो हैं वो थोड़ी गैरत खा लें, या आप ही का शहर है इसको ज़रा साफ़ सुथरा कर लें बराए मेहरबानी। एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना भूल गया था, वो ये थी कि आप जब सफ़र पे निकले ना, गाड़ी का ऑयल पानी तो मैंने बता दिया आपको चेक करना ही होता है, इसको मत देखिए। तो साथ ही ना ये जो होती है ना, ये हवा मतलब ये हवा जो है ना टायरों में भी भरनी होती है सफ़र में जाने से पहले। हवा शवा भरनी होती है।
यहाँ से अगर आप सीधे हो जाएंगे तो आप कोटा जाएंगे। आप लैपटॉप कोटा से कितने का लेके दे रहे थे? 10,000 कैसे? देखिए सैलाब में ना ये पुल टूटा था और आमिल जुनेद बंगाली भी गिर गया उसके साथ ही। अल्लाह जिन्हें नसीब करे। हम जरा इधर आए, जरा कुछ देखें, खाएं पिए थोड़ा सा। फारूक भाई बैठ जाओ यहाँ, किसी होटल पे भी बिलीव नहीं कर सकते, इसलिए जरा ये जो है बिस्किट सिस्किट। ये कौन सा रोल है ये देखना, ये मेरा एक बाइट है। इस बनाना के अगर ऑनेस्ट रिव्यू करें तो ये बनाना जो है ना, ये थोड़ा सा कड़वा है और डीजल वाला, इस के अंदर ना डीजल का टेस्ट आ रहा है, मतलब ये डीजल वाला केला है। डीजल केला। शादी मुबारक गाइस। ये बोट को शेल्टर बनाया था, बोट शेल्टर। हाँ तो जी, पहुंच गए हैं हम इस टाइम गडानी बीच पे। और यार एक छोटा सा भंड ये हो गया मसला, मतलब भंड नहीं मसला ये हो गया है कि दे आर सेइंग कि आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते यहाँ पे, कोई परमिशन का मसला है। लेकिन हम इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है। हमने टिंकू गाड़ी में पड़ा, पिंकू हमारे हाथ में, मिंकू सभी ने नाम रखे थे इनके। एक मिनट के लिए डर गए थे। अच्छा अंदर से नजर कुछ नहीं आता यार। ये जो ये होल है, पता नहीं कौन सा इसको क्या, व्हाट डू वी कॉल्ड, कि इसमें ना एक आवाज आती है। अभी देखना, आवाज नहीं, ये पानी पूरा यहाँ करके आते हैं। अच्छा, और इतना अच्छा लगता है, लेकिन इसके अंदर कुछ है। चलिए पीछे, भूत प्रेत है इसमें, भूत प्रेत। तो अभी हमें ड्रोन। अच्छा तो ये अभी यहाँ के जो लोकल हैं उनसे उन्होंने बताया, इस सुराख को क्या कहते हैं? ये पहाड़ है ना, ये सुरंग है गडानी बीच बुकाड़े का। अच्छा, ये सुरंग है, इसका नाम है चीते वाला पहाड़। चीते वाला पहाड़, चीते वाला। यहाँ बोतल फेंकोगे तो ऊपर आएगी उड़ के। माशाल्लाह, ये गडानी बीच जाज के अंदर फुकाड़ा बीच है, जबरदस्त हम लोग का बेहतरीन। तो मुझे ये बताओ कि ये जो है अपना ये समंदर कहाँ तक ऊपर, यहाँ तक आया वो तक अभी आते हैं? नहीं नहीं नहीं, समंदर अल्लाह पाक का मतलब कि घर है हम लोग, कम से कम पाक साफ होते आते हैं, कोई बारिश वगैरह होती है, कोई बीमारी होती है, सारी हट जाती है, समंदर पाक साफ है। और बोलने का मकसद ये है, गडानी दो पिकनिक पॉइंट, एक गडानी शेर है, एक गडानी जहाज है। अच्छा, वो देखें, वो शिप जो है ना वो ब्रेक हो रहा है वहाँ पे। एक शिप ये है और एक शिप वो है। वाओ, आपका भाई शदीद काला हो चुका है यहाँ पे। और अब बस गुल भाई का इंतजार है, वो आ रहे हैं। और नहीं नहीं, आगे चलते हैं। तो अब आगे चलते हैं कहीं मिट्टी, जहाँ पे मिट्टी हो ना, सैंड हो, वहाँ चलते हैं। यार टिंकू, टिंकू गोप्रो वो ड्रोन था ना,
टिंकू ने टिंकू की एक तो यहाँ पे परमिशन नहीं थी और दूसरा हवा बहुत तेज है तो इस वजह से टिंकू ने उड़ाया, लेकिन मिंकू ने ना बहुत काम किया, मिंकू ने सही काम दिखाया। मिंकू के शॉर्ट्स जो है ना वो हम ब्लॉग में लगाएंगे, कुछ मेरे ब्लॉग में आएंगे, कुछ इसके ब्लॉग में आएंगे, तो वो देखिएगा, बड़ा मजा आया इसको। तो हमने पानी में गोते लगवाए हैं ना जो आज, तो अभी हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमें पता लगा है कि गुलबर्गी को जानने वाले उनके हैं 9 नंबर और 10 नंबर प्लॉट है, जरा वहाँ जाके देखते हैं। वो तो कह रहे हैं कि शिप टूट चुके हैं, जरा देखते हैं शिप, टूटा हुआ शिप ही देख लेते हैं। जुड़ा हुआ शिप तो हमने तस्वीरों वीडियो में बड़ा देखो और यहाँ पे भी देखा है, अभी टूटा हुआ नहीं देखा आज तक, आज टूटा हुआ देख के आते हैं। गडानी पे भी ना 3 तलवार मिलेगी आप लोगों को, तो घबराना नहीं है, ये गडानी की 3 तलवार। हाँ तो जी हम पहुंच चुके हैं इस टाइम अब गडानी बीच पे। गर्मी बहुत है यार, और अगर टाइम देखा जाए ना तो टाइम हो रहा है 10:39 हो रहा है और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ देखते हैं यार, जितना माशाल्लाह से इसकी हाइप है ना, गडानी बीच नो डाउट बहुत साफ है, पानी भी बहुत साफ है, लेकिन यार एक थोड़ी सी छोटी सी दरख्वास्त ये है सारे बहन भाइयों से कि यार ये मत किया करो प्लीज़ यार। ये देखो ये चीज़ हमारे पहले जब ये चीज़ें इतनी ये बीचेस इतने आम नहीं थे ना, तो ये इतने साफ होते थे जिसकी कोई हद ही नहीं थी, ठीक है। अब जब से सी व्यू के बाद ना, जब पता लगा ना लोगों को हॉक्स बे, हॉक्स बे से सैंड स्पिट से हॉक्स बे से आगे और टर्टल बीच, एक्वा बीच, जितने भी हमारे यहाँ कराची में बीचेज हैं, ऐसा ऐसा ये भी आ गया बीच में गडानी बीच आते हो, नो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इट्स फ्री फॉर ऑल, मतलब आप आएँ, आप हमारा मुल्क है तो हमें ही इसका ख्याल रखना है, ये मत किया करो यार। ये देख रहे हो हर जगह ये मॉर्वन की डब्बी पड़ी है, ये पता नहीं मावे पड़े हुए हैं खाली पैकेट, ये देखो क्या कह सकते हैं आप लोगों को, ये मत किया करो यार, अपना मुल्क है। अब आप यही आवाम जो ये गंद करती है यही दुबई चली जाती है, वहाँ पे मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कुछ थूके, कोई सिगरेट का बट फेंके या कोई चीज़ भी फेंके, मान जाऊँगा मैं, उसको मान ही करता ये, क्यों वहाँ पे डंडा टाइट है। जुनेद भाई, इसकी हर परवाज पे जुनेद भाई का नाम इसकी हमने कितनी दूसरी उड़ान भरी आज, दूसरी उड़ान भर, तीसरी, चौथी कुछ शॉट्स मेरे हैं, कुछ शॉट्स अमी के हैं, तो हम लोग ना सेलेक्ट कर लेंगे किसको हम लोगों ने कौन लगाएगा पता नहीं यार, जो भी बोलो समझो बहुत गर्मी है। Build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no traps. ओए, ये देखो केकड़ा हम लोगों ने पकड़ा नहीं है, मतलब ये देखें, चेक करें आप, केकड़ा नंबर 2 यहीं से उठ के मुंह पे नाच है फारूक भाई, पता लगे ये जिंदा हो, नींद पूरी कर रहा हूं अपनी। मैं केकड़े की वीडियो बना रहा था, फारूक भाई कहला है, फारूक भाई कहते हैं यार सेब तो नहीं आ रहे मेरे हाथ में। हाँ माँ मजा आ रहा है, गुजरना है ना यहाँ से, इधर से आए, इधर से क्या कहाँ है केकड़ा, अरे नहीं कुछ कहता, चले काटेगा ना ज्यादा और क्या होगा, क्या हुआ इतना पानी आया अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वो बोट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है अभी, ये जो है ये वो मछेड़ों की मछली है यहाँ, मछेड़ों की कश्ती है यहाँ पे, ये वो उनकी पर्सनल है, मतलब यहाँ पे वो मछलियाँ उठाते हैं इसमें जाके, तो इसमें पैसेंजर्स को नहीं बिठाते, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, टेंशन वाली क्या बात है। हम कैसे आए थे और कैसे वापस जा रहे हैं, सो कैसा लगा फारूक भाई, मजा आया? बहुत जबरदस्त। गुल भाई आपको मजा आया? यार मैंने तो बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। मुझे भी बड़ा मजा आया। मामा आपको मजा आया? हाँ ठीक था बस। हैं? लोगों के साथ अकेली आऊंगी, क्या मजे करूंगी? हाँ ये भी है। अगली बार कोई लौंडी ले आएंगे। चल अगली बार कोई लौंडियां ले आएंगे। सारे लौंडियां ले आएंगे।
यार मैं वो पानी। तो यार अब हम इस बीच को कहते हैं बाय बाय, अब चलते हैं। अब कहाँ जा रहे हैं, सिटी की तरफ? गुल भाई जी, अब शहर की तरफ? शहर की तरफ जा रहे हैं, अब शहर की तरफ जाएंगे और कुछ देखते हैं, खाते पीते हैं, अगर अच्छा कहीं से मिला तो। नहीं तो सीधा कराची ब्रेक मारेंगे अब हम। वो अजीब है, देखो बस ठुक गई है बड़ी जबरदस्त करके, अभी फिर शायद मारेगा, और देखते हैं कैसे मारता है। नहीं, अब हमने बड़ी जगह दी हुई है इसको, वो उधर से टच होने वाली है। बच गए जी, लो जी। ये एक होटल है, यहाँ पे रुके हैं, कुछ खाएं पिएं। यार भूख बहुत टाइट वाली लग रही है, मुझसे मुझे रोको प्लीज़ रोको। ये जी हमें इतना बड़ा हॉल दिया है, हम 1, 2, 3, 4, 5 लोगों को इतना बड़ा हॉल दिया है इन्होंने। बस क्या देख रहे हैं गुल भाई? एडिट कर रहे हैं। अच्छा, एडिटिंग साथ से चल रही है। हाँ भाई, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। हालात ज़िंदगी पे आए तो जी थकावट से बुरा हाल है। असल में पता है मसला ये है कि हम रात को सोए नहीं है सही से, तकरीबन कोई 1 घंटा सोया हूँगा मैं, मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा, और उसके बाद आपका लब लग रहा है साथ। गुल भाई भी नहीं सोए काफ़ी टाइम, मतलब वो भी 1-1.5 घंटा ही मुश्किल से सोए होंगे। गुल भाई 1 घंटा सोए हो आप? 1 घंटा? समी तो सोया ही नहीं है रात का ना, मतलब इतना एक्साइटेड आदमी है ये। नहीं, समी का सोया? समी नहीं सोया। तो अब ये सीन है कि हम नींद से टोन हो रहे हैं, तो कुछ खाएंगे। हाँ तो जी, खाने में हमने मंगाई थी एक रोश दाल माश, वो क्या है? ये क्या वो क्या है? मगज़। और ये इसका ये काबुली पुलाव है। इसमें खाना खा लिया हम लोगों ने, बस अब निकलने की तैयारी है। हाँ भाइयो, तैयार हो? अच्छा, चाय। सबके हाथ, सबकी ब्रेक लग गई है माशाल्लाह, इनकी ब्रेक नहीं लगी अभी तक। अब जवान बनता है इसको, हम लोगों ने अभी गुजरा वाला भेजना है कुश्ती के लिए। सही है यार। टेम्परेचर कितना होगा गुल भाई? 40 तक तो होगा टेम्परेचर गर्मी का? 36? देखिए बहुत गर्मी है यार, हब्स बहुत है। खाना यहाँ पे आया हूँ मैं, बहुत मज़े का था। और ये रेस्टोरेंट पे है भाई, क्या नाम है आपका? अशरफ भाई, आपका खाना बहुत ज़बरदस्त था, और मैं आप सब लोगों को भी यही रेकमेंड करूँगा कि आप जब भी हब चुकी है ना, बस जब आप बलूचिस्तान की तरफ जा रहे हो, हब चुकी की तरफ जा रहे हो, तो इस होटल पर ज़रूर खाना वाना खा के जाइएगा। कॉन्फ्रेंस नाम है ना, कॉन्फ्रेंस रेस्टोरेंट नाम है इस रेस्टोरेंट का, लाजमी इनका फूड जो है ना ट्राई कीजिएगा। हाँ तो जी, आपका भाई सो गया था गाड़ी में और बड़ी टाइट नींद आई हुई थी, अभी भी आ रही है स्टिल, लेकिन ये कि बस अब घर जाएंगे अपनी गाड़ी, आपको तो पता है हम लोगों ने गुल भाई घर पे लगा दी थी, तो अपनी गाड़ी रिसीव की है। अब हम जाएंगे अपने घर, नमाजें पढ़ेंगे और लंबी तान के सो जाएंगे, फिर करेंगे एडिटिंग और व्लॉग अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया, ये हमारा ट्रैवल व्लॉग था हमारे टिंकू मिंकू के साथ, तो अगर आपको पसंद आया तो यार लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाजमी बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई अपडेट बआसानी मिल जाए। तो इसी के साथ दें इजाज़त, बहुत सारी दुआएँ, खुदा हाफिज़।